हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एहसान अली इलेक्ट्रिशियन में स्वागत है। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं आज वायरिंग में क्या सब मटेरियल और सामान लगता है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों इसको हम बिट कहते हैं, ये मेरा ओपन वाला वायरिंग मटेरियल नेम है। आप लोग नोट कर सकते हैं ओपन में हमको क्या क्या लगता है। ये हमारा बिट पिन है दोस्तों, जो कि बिट ठोकने के काम में आते हैं। दोस्तों आप सामान का लिस्ट बना सकते हैं जो भी नया इलेक्ट्रिशियन है। उसके बाद ये मेरा स्क्वायर बॉक्स है जिस पर होल्डर लगता है, ठीक, ये दीवार में लगता है। दोस्तों ये मेरा वायर है जो कि तीन तार है, नेगेटिव पॉजिटिव इन्वर्टर। दोस्तों ये एंगल बटन ये होल्डर है, इसमें एंगल होल्डर भी आता है, बटन भी आता है। दोस्तों ये PVC मॉडलर बोर्ड है, 18 12 8 6 4 3 2 इतना मॉडल का बोर्ड आता है, आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये मेरा PVC प्लेन बोर्ड है 8 6 का। दोस्तों इसमें भी साइज आता है, 1 2 4 7 4 8 6 8 12 ये सब साइज आता है। दोस्तों ये मेरा SS माइंड विथ बॉक्स है, ये मेरा पावर प्लग का काम में आता है। आप लोग लिस्ट हमारी वीडियो देख के आप लोग लिस्ट बना सकते हैं, और नया इलेक्ट्रिशियन के लिए ये बहुत बेहतर चीज़ है। ये हमारे 18 मॉडल का प्लेट है। दोस्तों वीडियो में बने रही है, वीडियो में सारा चीज़ की जानकारी मिलेगा। ये मेरा 12 मॉडल का प्लेट है, देख लीजिए दोस्तों 12 मॉडल का प्लेट मेरा फिटिंग किया हुआ प्लेट है, इसको हम प्लेट कहते हैं, जो कि मेन बोर्ड में लगता है। दोस्तों ये मेरा 8 मॉडल का बोर्ड है जो कि बेड स्विच के पास लगता है, आप लोग लिस्ट बना सकते हैं। ये मेरे 8 मॉडल का बोर्ड है। अब मेरा दोस्तों अब 6 मॉडल का बोर्ड आएगा, ये मेरा TV में ज्वेली लगता है। तो आप लोग घर में तीन बोर्ड तो ज्वेली रहता ही है। दोस्तों आप सामान का लिस्ट बना सकते हैं। आइए दोस्तों ये दिखाते हैं 4 मॉडल का प्लेट। ये छोटा सा जगह लगता है, जब कि बाथरूम हो, लेटिंग हो या किचन हो, ये सब जगह ये यूज होता है। तो दोस्तों कौन कहाँ देना है ये भी बता रहा है। दोस्तों ये 3 मॉडल का प्लेट है, इसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी उक्सी, अदरवाइज जो भी है कनेक्शन दोस्तों पावर प्लग से चलाने वाला ये है। ये मेरा 2 मॉडल का बोर्ड है। दोस्तों ये वनली इसमें सॉकेट रहता है, वनली ये हमारा AC में काम आता है, RO में, गीजर में, यही सब में दोस्तों काम आता है। ये मेरा 6 एम्पेयर का प्लेन स्विच है दोस्तों, मॉडलर स्विच है ये, प्लेन स्विच इसको हम कहते हैं। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं, ये 6 एम्पेयर का सॉकेट है जो कि इसमें छोटा सा प्लग लगेगा, बड़ा प्लग नहीं लगेगा। बड़ा प्लग लगाने के लिए आपको 16 एम्पेयर का सॉकेट लिखना होगा। दोस्तों ये मेरा 2-way स्विच है जो कि बेड के पास 2 स्विच लगेगा और 2 मेन बोर्ड में 12 बंडल में लगता है। तो आप लोग सामान का लिस्ट बना ले दोस्तों, अगर नया इलेक्ट्रिशियन है अगर हमारे वीडियो देख रहे। दोस्तों ये मेरा इंडिकेटर है, घर में मुश्किल से 2 से 3 एक इंडिकेटर देना है। दोस्तों ये मेरा फ़ैन रेगुलेटर जिसको डीमर कहते हैं मॉडलर में है। दोस्तों ये मेरा जो है फ़ैन रेगुलेटर, इसमें छोटा बड़ा सब है। दोस्तों ये आइए इसमें दिखाते हैं आपको, ये मिनी MCB है जो कि बोर्ड का लाइन कटने वाला है, और अभी का जो वायरिंग है तो दोस्तों इसमें मिनी MCB ज़रूर लगाएं, मिनी MCB लगाने से आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये मेरा बिट फिटिंग है, बिट एल्बो टी स्टेनल। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर।